संपूर्ण सिंह, संपूर्ण सिंह यमुनानगर हलके से। अच्छा, राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं आप पगड़ी और कड़ा पहने। काम शुरू से है, अपने देश की छवि खराब करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मोदी जी आज देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं, आज सारी दुनिया में परचम लहरा दिया है, और ये लोग देखो फिर जड़े पोटने पे लगे, निकालने पे लगे हुए। शर्म आनी चाहिए। पगड़ी और वो कड़ा पहने नहीं दिया जा रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है क्या यहाँ पे? कहाँ पर? हम देखो, हमें तो सुरक्षा है। हमारे क्षेत्र में यमुनानगर विधानसभा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है, नाम रखा है गुरु तेग सिंह मेडिकल कॉलेज। देखो, हमारे जो साहबजादे शहीद, उनके नाम से बाल दिवस मनाया जाता है। अमृतसर में जाके मोदी जी बर्तन साफ करके सेवा करते हैं, पौना पौना घंटा गुरुद्वारे में बैठे रहते हैं। अगर फिर भी कोई बात नहीं समझ, तो इससे ज्यादा देखो कुर्बानी दी नहीं जा सकती कोई भी। प्रधानमंत्री ऐसा विदेश में जाके क्यों कह रहे हैं? देखो, ये लोग ना, ये लोग मतलब अवसरवादी लोग हैं लाल जी, सत्ता के भूखे लोग हैं। सत्ता पाने के लिए कहीं ये कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को लड़ा झगड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनका काम है दंगे कराना और कोई ना कोई ऐसा विवाद पैदा करना कि मोदी जी की छवि खराब हो। जबकि आपने देखा है, एक मिनट देखा है, आज पाकिस्तान करता है हमला हमारे पे, चीन के बॉर्डर पे आई है कि भी आज कभी? अगर हमारा एक छतरी से पायलट भी परे गिर गया था, 24 घंटे के अंदर उनको वापस करना पड़ा था। मोदी का प्रभाव था, खुद छोड़ के गए थे बॉर्डर पे। कोई और प्रधानमंत्री होता ना, या कोई हल्का प्रधानमंत्री होता, तो बेचारा वहीं जा सर्वजीत मारा गया, ऐसे वैसे कहीं मारा जाता। आप देश के अंदर कैसा माहौल देख रहे हैं? अशांति का माहौल फैलाने की एक साजिश रची जा रही है बहुत बड़ी। आप सब देख रहे हैं कि रेलवे लाइन के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे जा रहे हैं, गैस के सिलेंडर रखे जा रहे हैं, मिठाई के डब्बों में बम रखे जा रहे हैं। तो ये देश में क्या करना चाहते हैं? ये बांग्लादेश जैसा हाल बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर भी। आप देखिए, देश की जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, अगर उसको सुरक्षा मिली तो हिंदुस्तान में मिली, वो पूरा विश्व को उसने छोड़ दिया कि अगर अगर भारत में कोई सुरक्षित है। यूरोप कंट्रियों ने उसको लेने से हमला कर दिया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की छवि, ऐसे ऐसे मजबूत नेता है, उन्होंने उसको सुरक्षा दी। किसी मोहम्मदन अरब कंट्री ने उसको सुरक्षा दी? सुरक्षा दी तो फिर हिंदुस्तान में दी। नरेंद्र मोदी जी ने दिया उसको सुरक्षा। पाकिस्तान के भी कहते हैं भारत सुरक्षित नहीं है। कमाल की बात है, कौन लोग कहते हैं भारत सुरक्षित नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ है। एक मिनट, कांग्रेस का नेता कश्मीर में ये कहता है कि जितने उग्रवादी जेल में बंद है सबको छोड़ देंगे, और जितने मारे गए सबको शहीदी का दर्जा देंगे और 1-1 करोड़ रुपए देंगे। क्या सोच है इनकी, कांग्रेस वालों की? क्या सोच है कि 370 भी दोबारा हम लेके आएंगे? हाँ, क्या सोच है इनकी? ये देश में शांति फैलाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ सभी भारतवासियों से, देशवासियों से, हरियाणा वासियों से, अगर सरकार चुननी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुने। देश सुरक्षित है, पर देश सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में सुरक्षित है। और नरेंद्र मोदी को जो तीसरी बार प्रधानमंत्री जो बने हैं, और उसके बाद सभी विपक्षी पार्टियां हजारों दल इकट्ठे होकर हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी को रोकने का काम किया था, लेकिन मोदी जी 56 इंच का सीना वो खुल के आए और तीसरी बार प्रदेश के हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी। की लहर है यहाँ हरियाणा में? मोदी की लहर है, बीजेपी की कहाँ है? बीजेपी की, बीजेपी की लहर है, बीजेपी बनेगी, बीजेपी जीतेगी बिल्कुल। ऐसा क्या है बीजेपी में? बीजेपी हर के लोगों को काम कराती है, दुनिया के काम कराती है। राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं सरदारों को पगड़ी और कड़ा पहनने नहीं दिया जा रहा, कह रहे हैं। तो फिर उसको बंद भी नहीं देंगे? हाँ। उसको गांव में नहीं बढ़ने देंगे? हाँ। उसकी पार्टी क्यों नहीं बढ़ने देंगे? यहाँ पे पहनने दिया जा रहा कड़ा? हम तो पहनेंगे, हिंदुस्तानी है। तो वो क्यों कह रहे हैं विदेश में जाके? अब उसका कोई बंदा आएगा हमारे गाँव के तरफ ना, तो उसको घुसने नहीं देंगे अंदर? घुसने नहीं देंगे, नहीं देंगे घुसने। राहुल गांधी को उसको नहीं बढ़ने देंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा है। उसने कहा क्यों इतनी बात? हम आपकी टोपी को कहें तो आपको गुस्सा नहीं लगेगा क्या? तो हमारे को कैसे कह दिया उसने? हम क्या समझते हैं राहुल गांधी को? वो तो वर्गर जाति का है, हमारे को तो कोई उसका मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम पंजाबी तो बिल्कुल नहीं मानते हैं उसको, नहीं मानते हैं। क्या लग रहा है, मोदी जी आ रहे हैं? बिल्कुल, मोदी 100% आएंगे। 100% नायब सिंह सैनी का बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम है। खट्टर नालों भी अच्छा काम कर रहे हैं, पहले हमारे खट्टर भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी हर एक बरादरी को, हर एक धर्म को लेके जा रहे हैं। 36 बरादरी उनके साथ है। राहुल गांधी जी के साथ कोई नहीं है? राहुल गांधी बिरादरी के महान नहीं है कि उन्होंने करना क्या, बोलना ही नहीं पता, बोलना क्या है? शक्ति बिरादरी राहुल गांधी जी को यही नहीं पता कि मैंने बोलना क्या है। सीटें भी तब विदेश में जाके भारत की बदनामी क्यों कर रहे हैं वो? आप सोचो भी क्यों कर रहे हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए। क्या लगा आप में और हमारे में कोई फर्क है क्या? कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं ना, तो वो क्यों फर्क डाल रहे हैं? तो बताओ कौन आदमी, अगर हम आपके धर्म को, चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं,
चौ वर्णों को उपदेश सांझा गुरु नानक देव जी ने दिया, ठीक है जी। तो आज हमारे को फुटपाथ में डाल रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे पहनने नहीं दे जाए कड़ा और पगड़ी। क्यों नहीं पहनने दे रहे? हम अंदर गए हैं, एंट्री अब होके गए हैं, सब कुछ हुआ। क्यों कह रहे हो विदेश में जाके ऐसा? तो उसकी बुद्धि है, जितना उसमें दिमाग है उतनी बात कर ले। वो कड़ा भी डाला हुआ है, डाला हुआ है। उनको बुलाओ यहाँ पे, उनको दिखाते हैं। वो जो भ्रम फैला रहे हैं ना जनता में, उसको तो बंद कर देंगे, उसका बिल्कुल बंद करेंगे। तो कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है पहले ही। अरे पहले गुटबाजी, अभी तो फोर फुट फुट का हमारे पास आ रहे कांग्रेसी, ये हमारे को लड़ा ले, हमारे को लड़ा ले। सैलजा को किनारा कर दिया उन्होंने, सैलजा भी किनारा हो जाएगी। वो दलित से है इसलिए किनारा कर रहे हैं उनसे। सुरजेवाला को भी किनारा कर दिया, हाँ उनको भी किनारा कर रहे हैं। लेकिन हाँ समझ नहीं ना रहे वो लोग, अगर धर्म को या इस चीज को बांटोगे तो किनारा होएगा ही। अगर सबको एक समान समझोगे तो किनारा होएगा ही नहीं, देश का विकास होएगा। अब वो उस चीज को सोच नहीं रहे वो। राहुल गांधी कह रहे खटाखट पैसे वाले स्कीम, क्या हो गया उसका? झूठ बोलता है और क्या बोलता है, झूठ है उसके पास, झूठ के तखड़ी चक्की भी ना वो बोलता है भी, हम खटाखट डालेंगे, खटाखट लोगों को पागल बनाता है, वोट लेता है। अब आरक्षण खत्म करने की बात करें, पहले बोल रहे आरक्षण का कौन सी हो रही है यहाँ पर आरक्षण? कुछ नहीं खत्म किया आरक्षण, पहले से बरकरार है और बरकरार रहेगा। राहुल गांधी विदेश में कह रहे हैं हम खुद करेंगे बोल रहे हैं। कौन कह रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो करेगा ही, अगर हम लोग समझेंगे नहीं उसकी बात को तो आरक्षण खत्म होएगा ही। जब पहले से ही सभी बरादरियों को, सभी धर्मों को आरक्षण बराबर मिल रहा है, ठीक चल रहा है, देश में सभी भाईचारा एक बराबर है, हरियाणा में या हिंदुस्तान में, क्यों लड़वा रहे हैं राहुल गांधी? हाँ तो वो लोगों के साथ राजनीति खेल रहे हैं। अब उनको अपने धर्म का ही नहीं पता, वो कौन से धर्म से पैदा हुए हैं, दूसरे के धर्म को क्या करेंगे? ठीक है। मेरा नाम उपेंद्र शर्मा है। क्या लग रहा है चुनाव चल रहे इधर, किसका माहौल है? माहौल तो जी सीधा सीधा मोदी लहर है। मोदी लहर? हाँ जी हाँ जी। क्या है मोदी लहर है? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। कांग्रेस की लहर नहीं? नहीं नहीं, दुनिया भर का विकास करवा रखा है। सुब्रत साहब है देश के अंदर मोदी की लहर इसलिए है, देश को सुरक्षा दी तो मोदी ने दी, अगर गरीब की सोची तो मोदी जी ने सोची। इससे राहुल और उसकी दादी तो यही 70 साल को गरीबी हटाने की नारा लगाते रहे, गरीबी नहीं हटाई, गरीबी हटाई तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हटाई। सबका आयुष्मान कार्ड बनवाया, बीपीएल कार्ड बनवाए, देश को सुरक्षा दी तो मोदी जी ने दी। अरे राहुल गांधी तो झूठे वादे करता रहा, पिछली लोकसभा में कहता रहा 85 रुपए खटाखट खाते में जाएंगे, लोग इंतजार करते रहे जुलाई में आएंगे, अगस्त में आएंगे, पर नजर नहीं आए पैसे कहीं पे भी। ये झूठे वादे शुरू से ही कांग्रेस सरकार ने किए हैं, और विदेश में जाके भारत का नाम खराब करता है। आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हो तो है, आरक्षण खत्म करने की बात है। ऐसा है, उनके उनके पिताजी और दादीजी भी यही बात करते थे, लेकिन आरक्षण नहीं खत्म होगा। मोदी जी ने तो कहा कि आरक्षण खत्म होगा, वो तो एक संविधान किताब लेके करता है, उसे पन्ने भी नहीं पता कितने हैं। और वो कहता है जातिवाद जातिवाद। जब अनुराग ठाकुर जी ने पूछा कि आपकी जाति क्या है तो सबके मुंह पे ताले लग गए, क्योंकि उसके पास बताने लग है नहीं जाति क्या है। कैसा काम कर रहे हैं नैब सिंह जी ने 56 दिन के अंदर इतना काम कर दिया जो हुड्डा ने 10 साल में नहीं किया था यहाँ है। और मनोहर लाल जी ने इतना काम किया, उसके बाद नैब सिंह जी ने इतना काम किया जो एचआर केरल के अंदर 1,20,000 कर्मचारी थे उनको सबको पक्का करने का काम नैब सिंह जी ने किया है, इतने काम। अरे अभी तो ओवर टाइम देंगे उनको, और जो उनके सीएम हाउस है वो खुला बड़ा हुआ, जो मर्जी जाओ जिस टाइम मर्जी जाओ मंजे बिछे हुए हैं। कांग्रेस में पहले ही गुटबाजी होने लग गई है, सैलजा अलग और सुरजेवाला अलग, नारा कर दिया। उनमें तो शुरू से गुटबाजी है, कई कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो रहे हैं, अभी तक आगे देखते जाओ इनकी क्या कहानियां बनने वाली हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा बताया नहीं उन्होंने। ऐसा है बापू बेटे की सरकार चल रही है, ठीक है ना जी, तो वो दोनों ही सिर्फ सर्वोसर समझते हैं कांग्रेस के अंदर, और किसी को नहीं समझते, और कोई नहीं समझते। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ही नेता होता है जो सर्वसम्मति से चुना जाता है, और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी होंगे, नायब सैनी जी होंगे। कांग्रेस का क्या होगा? हाँ जी कांग्रेस का क्या होगा फिर? अरे कांग्रेस का सुब्रा साहब है मुख्यमंत्री, जब कांग्रेस का कोई नेता ही नहीं आएगा तो मुख्यमंत्री कहाँ से बनेगा? हमारे हमारा पूर्ण बहुमत से सरकार जो है हरियाणा में बीजेपी की बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी भी है? अरे आम आदमी पार्टी, एक मिनट
केजरीवाल को जमानत मिली है, वो भी उसे कहा कि ना तू कागजी कार्रवाई करेगा ना सरकारी दफ्तर में जाएगा, उस पे कुछ जरूरी वो लगा के उसको वो जमानत मिली है। उसके पास कोई पावर नहीं है केजरीवाल ना, जिस टाइम वो सत्ता में नहीं था वो ठेला लेकर घूमता था कि कांग्रेस के खिलाफ शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास बहुत सारे दस्तावेज है, कहाँ गए वो दस्तावेज? आज तो गलबैया पाने के लिए कांग्रेस के साथ घूमता था है, पर कांग्रेस ने उसको रास्ता नहीं दिया। कभी कहीं दोस्ती कहीं बन जाती है, कहीं दुश्मनी बन जाती है, क्या ये देश का विकास करेंगे? 70 साल पहले कांग्रेस ने लुटा, 10 साल दिल्ली में केजरीवाल लुटता हुआ, तो यहाँ क्या विकास करेगा ये? तो दाल निकली उनकी क्या? दाल तो पता है जमानत कांग्रेस की भी जमानत जब्त है और केजरीवाल की भी जमानत जब्त है, दोनों का सुपड़ा साफ है। कौन मोदी जी है इधर? मोदी जी भी है और नायब सैनी जी भी है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है।